से मेरा परिवार तबाह हो गया है। मोहिनी सनानिया मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं न्याय दिलवाए, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। यह कहना है मोहिनी सलरिया, पति रिछपाल सिंह सलरिया, उम्र 38 वर्ष, पता ब्राह्मण जम्मू में निवास करती हूँ। रिछपाल सिंह सलरिया मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में प्रमुख कोच है, जो रानीताल स्टेडियम में ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी मुस्कान खिलार अकेडमी में छात्रा है, जिसके तीरंदाजी के कोच मेरे पति रिछपाल सिंह सलरिया है। मेरे पति 2016 से जबलपुर अकेडमी में कार्यरत है। कोच के रूप में रिछपाल सिंह ने भारत को स्वर्ण पदक की जीत दिलवाई है। मुस्कान किरार एक भारतीय तीरंदाज से 28 अगस्त 2018 को इंडोनेशिया में हुए महिला कंपाउंड तीरंदाजी इवेंट में सिल्वर मेडल लाने वाली भारतीय टीम का वो हिस्सा रही हैं। मुस्कान मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने बैंकॉक में हुए महिला कंपाउंड तीरंदाजी एशिया कप में स्वर्ण पदक भी जीता है। भारत को स्वर्ण पदक मिलने पर मुस्कान किरार और पति रिछपाल सिंह पर मुझे बहुत गर्व था। इस पदक के मिलने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे और मेरे परिवार को ही हुई थी। मुझे नहीं पता था कि भारत में स्वर्ण पदक की खुशी के साथ साथ मेरे जीवन में बर्बादी शुरू हो जाएगी। भोपाल से साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैम, मेरे पति का नाम रिछपाल सिंह सलरिया है, वो इंटरनेशनल कोच हैं जो जबलपुर में हैं। मैम, उनका अपनी छात्रा है जिसका नाम मुस्कान किरार है, वो जबलपुर की रहती है, और उनका और मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है 2016 से। तो मैम, 2016 से मैं मना कर रही हूँ, लेकिन 2018 में जैसे वो मेडल आया था तो वो दिल्ली में रुके थे, मैंने उनको दिल्ली में पकड़ा था दोनों को साथ में। तो तब थोड़ा मारपीट हुई थी हमारे, मेरा और मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ था। तो मैं उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार मतलब यही बोलते रहे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने मैम बहुत बार समझाया, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, और उसके साथ रह रहे हैं मेरे बच्चों और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मैंने बहुत बार कंप्लेन की है उनके विभाग में, लेकिन वो कोई भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। मैम, पुलिस में आपने कंप्लेन की? मैं 12 तारीख को आई थी, तो मेरे हस्बैंड मुस्कान के साथ ही खड़े थे, अलग से उसको ट्रेनिंग करवाते हैं, अलग से खाना पीना सब अलग से होता है उनका। तो मैंने उनको बोला कि आप बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, तो आप तो इसके साथ खड़े हो, जैसे मैं बोलती हूँ। तो उन्होंने मेरे गला पकड़ के मुझे घसीटते हुए रूम के अंदर ले गए, और जो बाकी उनके साथ में थे, उनके साथ एक कोच है रक्ष्मी करके, और उनके साथ दो चार कोच और थे और बच्चे थे उनके साथ, तो सारे मुझे धक्के वक्के लगा के कमरे के अंदर लेके चले गए और वहाँ पे मुझे मारपीट करने लगे। तो इतने दौरान मीडिया आ गई वहाँ पे, उन्होंने जो कवर वगैरह किया, तो उन्होंने मीडिया वालों ने मुझे छुड़ाया। उसी चक्कर में मीडिया वालों के ऊपर भी मेरे हस्बैंड और उनके छात्रों ने हाथ उठाया, और मैम उसके बाद मैम पुलिस वहाँ पे आ गई, तो हमने कंप्लेन किया। तो मेरे पति के प्रति उन्होंने एफआईआर पहले लिख नहीं रहे थे, रात को 1:30 बजे तक मुझे वहाँ पे बिठाए रखा, मैंने दबाव डाला, तो तब जाके मीडिया भी आ गई, तब जाके उन्होंने कंप्लेन लिखी। और बाकी जो अन्य लोग हैं, जैसे अशोक है एक, दशरथ करके बहुत सारे बच्चे, तो मैंने उनका नाम भी लिया कि उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो कोई भी कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने उल्टा मुझे धमका के बोला कि अगर ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हारे प्रति झूठी एफआईआर लगा के तुम्हें जेल में डाल देंगे, और तुम्हें छुड़ाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जेल में डाल दो, अगर मैंने गलती की है तो मुझे जेल में डालो, अगर उन्होंने की है तो आप उनको कंप्लेन करो। तो मैं मेरे दो बच्चे हैं, बेटी और बेटा। मेरा बेटा चल नहीं सकता है, वो चार पाई पे है। तो मेरे हस्बैंड और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना मेरी बेटी के तरफ, ना 1.5 लाख रुपया उनकी पे है, लेकिन पूरा मुस्कान के ऊपर ही खर्च करते हैं। हाँ, ना तो जम्मू में आते हैं, एक एक डेढ़ साल हो जाता है, वो जम्मू में ही नहीं आते हैं, बस यही बोल देते हैं कि हाँ मैं आता हूँ और सारा मैटर सॉल्व करता हूँ। जैसे भी मैं यहाँ पे भोपाल में आके कंप्लेन की, तो तब भी उनके अफसरों ने बोला, तो बोलते हैं हाँ मैं जाके जम्मू में, तुम जम्मू चलो यहाँ से भोपाल से, और मैं जम्मू आके सारा मैटर सॉल्व कर देता हूँ। फिर भी मैम नहीं आते, फिर मैं बार बार जबलपुर में जाती हूँ, और बार बार मुझे मार भगा के वहाँ से हटा देते हैं। अभी क्या चाहती हैं अभी? मैं ये चाहती हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सर से कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इनको जो ऐसे गंदे काम करते हैं अपने स्टूडेंटों के साथ, उन पर उनको जेल होनी चाहिए। मैम, इस वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया, मेरे मैम इतना मुश्किल कर दिया मेरा जीना कि मैं बता नहीं सकती। आपके हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं, क्या वो कुछ नहीं कहते? मैम, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं आजकल ऐसा चलता है,
अगर मैं पुलिस को बोलती हूँ तो वो बोलते हैं अगर इसने एक अफेयर डाला तुम चार लड़कों के साथ डालो, आजकल तो ऐसा ही चल रहा है। मैम आप बताइए, ये पुलिस वाले मुझे बोल रहे हैं कि सारी औरतें ऐसी होती हैं क्या? मैं अपने अन्याय मांगती हूँ, बार बार जाके पुलिस के पास जा रही हूँ, उनके अधिकारियों के पास जा रही हूँ, मुझे यही सुनने को मिलता है कि आजकल आदमी ऐसा ही करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।